हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम एडी पाटिल फ्रॉम पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्या मंदिर गाजीपुर। आज हम आपके लिए संस्कृत का पहला लेसन लेके आए हैं। तो पहला लेसन है प्रथम पाठ अकारांत पुल्लिंग। अकारांत पुल्लिंग मीन्स वे शब्द जिनके अंत में औच वाच है और जिनसे पुरुष जाति का बोध हो रहा हो, तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ऐसा कहा, यह क्या है? ऐसा चषका, यह गिलास है। किम ऐसा बृहत्, क्या यह बड़ा है? ना ऐसा लघु, नहीं यह छोटा है। शह कहा, वह कौन है? सह शौच कहा, वह दर्जी है। शौच कहा किम करोति, दर्जी क्या करता है? किम सह खेलति, वह क्या वह खेलता है? न सह वस्त्रं सिव्यति, नहीं वह वस्त्रों को सिनता है। आगे देखिए, हम आगे बताएंगे आपको। तो का ये क्या है? तो बलिवर्धास्त, ये बैल है, बहुवचन के लिए तो आएगा। किम तो धावता, क्या ये दौड़ते हैं? ना तो क्षेत्रं कष्टः, नहीं ये खेतों को कृषि करते हैं, खेतों में कृषि करते हैं। आगे चलिए, एते के ये क्या है? एते श्रुता सन्ति, ये बैग है। किम एते हरिवर्णः, क्या इनका रंग हरा है? नहीं एते नीलवर्णः सन्ति, ये नीले रंग के हैं। एते के ये कौन है? ते वृद्धा सन्ति, ये वृद्ध व्यक्ति है। किम ते गायन्ति, क्या ये गाते हैं? नहीं ते हसन्ति, ये हंसते हैं। आगे देखिए, अब हमें इनके शब्दार्थ लिखते हैं। चषका गिलास हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी दिया गया है। बृहत से बड़ा, शौचिका मीन्स दर्जी, खेलती मीन्स खेलता है, सिब्बति मीन्स सिलाई करता है, शूरता मीन्स दो कुत्ते बहुवचन में है, गर्जता मीन्स गरजते हैं, उच्चाय मीन्स जोर से लाउडली। इसके बाद देखिए अकारांत पुल्लिंग के शब्दों की वर्ड मिली एकम, ये दोनों द्विवचन के लिए है। भुक्त हम से भोंकते हैं, बलिवर्ध हम से दो बैल, धावक हम से दौड़ते हैं, कर्षण हम से खेत जोतते हैं या जोत रहे हैं, बलराम से बूढ़े, गायंती से गाते हैं, गायन करते हैं, हसंती में से हंसते हैं, श्रुता से थैले या बैल, हरिवर्ण हम से हरा रंग, नीलवर्ण हम से नीला रंग। आगे देखिए, अब अभ्यास करेंगे। हमको संस्कृत पढ़ना सीखना है तो इसके लिए उच्चारण करना है। छात्र गज, घट, शिक्षक, मकर, दीपक, मयूर, बिड़ाल, अश्व, शुक, मूषक, चंद्र, बालक, चालक, गायक। आगे देखिए, अब हमको चित्रों को देख करके चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, चित्रों को देख करके इन पदों का उच्चारण करना है। कृषक चित्र दिखाई दे रहा है, कृषक दिखाया है, किसान, वृषभ बैल, भल्लुक भालू, मल्लुक मेढक, कपोत कबूतर, पर्यत पलंग, बिस्तर से मतलब है,
दूर वास वाला में से टेलीफोन नंबर का वाला में से कौवा शौच वाला में से धरती। आगे देखिए वर्ण संयोजन निर्धारित हो, वर्णों का संयोजन करना है। जैसे ये चौ चौ है, आज इसको हम आधार बोल के ये हरण लगाया, हरण लगाया है। जब तक किसी व्यंजन के पीछे स्वर नहीं जुड़ा होगा तो वह शब्द वह व्यंजन पूर्ण नहीं होगा। तो चौ धन अ चौ हो गया, शौ धन अ शौ, क धन अह कहा, तो इसका बनेगा चषका, शा औ तो शौ हो गया, च इ चि क अह तो शौचिका। इस तरीके से आप वर्ण को बनाएंगे। आगे देखिए पदानाम वर्ण विच्छेद परदेशक, इन शब्दों का आपको वर्ण विच्छेद करना है। आप उदाहरण दे गया लघु ल के पीछे अ प्लस ख के पीछे छोटा हो, तो लघु सीबीएसई श धन बड़ी धन व धन य धन अ धन त धन छोटी, इस प्रकार से इसका वर्ण विच्छेद करना है। उच्चा उदाहरण दुष्वार किसानी बुनियादी